सा जाट बलवान जय भगवान। राजस्थान का रिंगस है, रिंगस जो सीकर ज़िले में है, लेकिन विशेष रूप से जो शेखावाटी का मिडवे कहलाता है, यहाँ पर राजस्थान जाट संस्थान ने आज यानी रविवार 14 जुलाई 2024 को विशेष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें सीकर के सांसद अमराराम जी, खंडेला के विधायक सुभाष जी, पूर्व विधायक बंशीधर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी खंडेला जैसे कई गणमान्य जन आए। यहाँ के आसपास की जो प्रशासनिक सेवाओं में सफल होने वाले लोग, उनका सम्मान हुआ। 300 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। और इसके साथ ही समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर चिंतन मंथन हुआ। सभी वक्ताओं ने समाज में एकता, शिक्षा और संगठन की ताकत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ये वो पूरी टीम है जो इस पूरे कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रूप में भागीदारी निभा रही है। मैं एक एक का परिचय आपसे करवाऊंगा, ताकि इनके परिचय के साथ में हम सब भी जो देखने वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ श्रेष्ठतम इससे सीख सके हैं। हमारे बीच में हैं अध्यक्ष जी। मैं महावीर सिंह हूँ। हमारी कार्यकारिणी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जी जान से, प्राणपण से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियाँ की, और उसी तरह का, जिस तरह की तैयारियाँ थी उसी तरह का सुंदर कार्यक्रम ये हो पाया। और समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे निखार कर लाने के लिए और उनके एक मोटिवेशन के लिए इस मंच ने जो कार्य किया, ये सदैव जारी रहेगा और बेहतर। नेक्स्ट में जो कार्यक्रम होंगे वो इस कार्यक्रम से भी बहुत बेहतर होंगे। पुनः मैं आपका भी धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद, और मेरी पूरी कार्यकारिणी का, और जो भी लोग यहाँ पधारे जिन्होंने किसी भी रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना किंचित भी योगदान दिया, उनका हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। बिल्कुल, तो सबको साथ लेकर चलने का यही भाव है। ये महावीर जी थे जो अध्यक्ष हैं RJS के, यानी राजस्थान जाट संस्थान रिंगस के। हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब भी हैं। सचिव महोदय, आपका परिचय और आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट हुए उसके बारे में। मैं मुकेश पावंडा, अभी वर्तमान में सचिव के पद पर हूँ कार्यकारिणी में। 30 लोगों का ये कार्यकारिणी है। सब लोगों ने 1.5 महीने से अच्छी तैयारियां करी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी प्रतिभा सम्मान के बिना नहीं रहे, इसके लिए हम लोग गाँव में गए, एक एक लोगों तक अप्रोच करने की कोशिश करी। सारी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा योगदान दिया और इसी का परिणाम था कि 1000 लोग मतलब इकट्ठे हुए, सारे जनमान्य लोग आए, एक ही मंच पे सारी पार्टियों के लोग थे। और हमारी कार्यकारिणी का उद्देश्य यही है कि जो सपने देख रहे हैं समाज के लोग, उनको कैसे हम लोग सहयोग करके आगे लाएं उनको। तो ये सचिव महोदय की थी। अब एक एक और जो भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो अपना परिचय भी दे देंगे, अपने विचार भी साझा कर देंगे। जी, मेरा नाम महेंद्र बल्डेवाल है। मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और हमारी जो कार्यकारिणी टीम ने जो हमारे यहाँ सहयोग किया है, सब ने मिलजुल के जो काम को आज एक सफल बनाया है, उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, तो टीम वर्क के रूप में लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है, ये अन्य संगठनों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा। जी, मैं कमलेश लोचिप एक कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और हमारे अध्यक्ष साहब, सचिव साहब और संयोजक साहब जिन्होंने हमारे को मार्गदर्शन दिया और उनके निर्देशानुसार हमने जो कार्य किया वो कार्य बहुत अच्छा सफल हुआ और हमारा जो ये संस्थान है आगे जाके बहुत ऊंचाई पे छुएगा और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। धन्यवाद। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। तो सभी लोग संकल्पशील हैं और सबके अपने विचार हैं जो एक नई मौलिकता के साथ आ रहे हैं। हाँ, मैं मुकेश निठारवाल। ये संस्था पिछले 2 साल से इस हमारे समाज के लिए काम कर रही है और ख़ासकर विशेष अभी 1.5 महीने से हम सब लोग मिलके एकजुट होके समाज के लिए लोगों को जागरूक किए, इकट्ठा किए, सब लोग आए, जिसका परिणाम आप खुद स्वयं देख रहे हो। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसी तरीके से सिलसिला आगे लगातार बढ़ रहा। जी, मैं गोपाल सिंह जी कुड़ी हूँ, इस संस्था का एक सदस्य हूँ। मैं चाहता हूँ जाट समाज को ये बहुत अग्रणीय शब्दों में इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ है, हम समान लोगों का सम्मान करेंगे, अपनी प्रतिभाओं को सम्मान करेंगे, सब लोग इसलिए जागृत होंगे और जाट समाज को आगे बढ़ाने का खूब प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वो सामाजिक तौर पर विशेष रूप से नज़र आती है जो रिंगस में मिली है। जी, मेरा नाम सरदार सिंह दाहिल है और मैं इस कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और किसी ने कहा है कि जीती
जीती चंद पहाड़ियां हैं, अभी तो आसमान बाकी है, परिंदे ने उड़ान भरी है, पंखों की परीक्षा बाकी है, अभी तो हमारा ये संगठन है शिशु अवस्था में है, और जैसे जैसे हमारा संगठन फैलेगा आगे जाके बहुत बड़ा वट वृक्ष हो जाएगा और एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, और हमारी जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर ये हमारा संगठन फोकस कर रहा है, और हमारे समाज के जो प्रतिवान छात्र हैं या जो सर्विस लग जाते हैं उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा संगठन प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये जो बालक हैं आगे बढ़ें और सफलताएं पाएं। धन्यवाद। सफलताओं के सिलसिले को रेस्पेक्ट करता हुआ RJS राजस्थान जाट संस्थान सीकर की ये टीम। अगले सदस्य। मेरा नाम राजेंद्र लोहरा है और मैं इस कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं जाट RJS का कार्यकारिणी का सदस्य बना, और ये समाज का बहुत ही बढ़िया कदम है। इससे बच्चों में प्रेरणा जाती है, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने का विचार होता है, जो मोटिवेशन होता है बच्चों को, और ये आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। उम्मीद है हमको और भी सहयोग मिलेगा, इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, तो बढ़े चलो की थीम पर ही लगातार सिलसिला आगे बढ़ रहा है। बड़े कार्यक्रमों का विजन कार्यकारिणी का है। राम राम जी। राम राम जी। मैं डॉक्टर भंवर सिंह ठाकर RJS इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, और हमने 2 साल पहले ये संगठन शुरू किया था। इसका मूल उद्देश्य यही था कि समाज के जो लोग सम्मान की स्थिति में नहीं हैं, पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं या आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, उनको आगे लाके और समाज को उत्थान किया जाए। इसमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनकी सहयोग करना, कोई बुरी आदतों को छुड़वाना, दहेज प्रथा को बंद करना, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे चूचक वगैरह है, शोषण है, इनमें कपड़े लेते हैं, महंगाई को कम करके घर को आगे बढ़ाना, जाट समाज को आगे बढ़ाना, ये एक सिद्धांत लेके आगे चले। बिल्कुल, तो जाट समाज में जो भी सामाजिक कुरूतियाँ हैं उनमें सुधारात्मक दृष्टिकोण का भी एक भाव राजस्थान जाट संस्थान रिंगस का है। जी, राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है, और इस किसान कौम ने मेरे को किसान हितों के लिए और युवाओं के हितों के लिए हमेशा लड़ते हुए बिड़ते हुए देखा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा समाज के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों की अपनी ऊर्जा सही दिशा के अंदर लगाए, कुरूतियों को रोकने में लगाए, और जो जाट सामाजिक सौहार्द के लिए जाना चाहता था, भाईचारे के लिए जाना चाहता था, मेहनत कौम जानी चाहती, उस अपनी परंपरा को जारी रखते हुए अपने समाज के निर्माण, इस देश के निर्माण के अंदर और इस सामाजिक कुरूतियों को निर्माण रोकने के निर्माण में अपना अतुल्य योगदान देते हुए एक मिसाल स्थापित करें। बिल्कुल, तो ये मिसाल ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। जी, मैं 2 लाइनों से अपनी बात कहूँगा। पहले तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी, आज जाट संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं ने जो हौसला दिखाया उसके चलते आज ये द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो पाया। मेरा नाम एडवोकेट दीपक बाजिया है, और इस संस्था में मुझे प्रवक्ता के रूप में मुझे जो दायित्व दिया है उसमें हम सभी ने मिलकर जो जो कार्यकर्ताओं को जो जो दायित्व दिया गया उसको सभी ने मिलकर आज 1.5 महीने से हम सभी लगे हुए हैं, और आपने जैसा कि देखा लगभग 1000-2000 की करीबन यहाँ संख्या आई है, और वो सिर्फ और सिर्फ रिंगस तहसील के लोग आए हैं। पर आप मान के चलिए जहाँ पिछले आज 10 से 15-20 साल, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, हम 3-4 लोग मिलकर 80% शायद बना पाते थे, लेकिन आज के हमारी जाटू की प्रतिभा है कि वो 97-96 अबाउ 100 के लगभग परसेंटेज लेके जा रही, तो निश्चित ये एक बहुत बड़ा बदलाव 100 टच कर रही है, बहुत बड़ा बदलाव हमारी जाट जो कम्युनिटी है उसके अंदर आया है, और हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। जहाँ हम धरती का सीना फाड़ के हम जहाँ खेती करते थे, पानी निकालते थे, आज हम हमारी कलम से अपने मुकद्दर को लिख रहे हैं और उस मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े और लोग जहाँ स्थापित होते थे, IAS, IRS, RJS जैसी जो संस्थाएं थी वहाँ पे और लोगों का कब्जा था, और आने वाले समय में ये शेखावटी अंचल और इसमें भी ये रिंगस अंचल की जो प्रतिभाएं हैं अपना लोहा मना के रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल, तो ये प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगर उनको प्रोत्साहन मिले तो और नई ऊंचाइयां छूती है। राम राम जी। राम राम जी। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने प्यार मांग लिया। जी हाँ, मैं रामलाल अनुपम क्लासेज रिंगस से, मैं तो इस क्षेत्र में हीरे तराशने का काम कर रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ देखा मैं भी इस RJS कार्यकारिणी का एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से लगातार मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुँचाया, और साथ ही क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशकर आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सिलसिला है। आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, आपके बिल्कुल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं,
आपको हम हमेशा अग्रणी पाते हैं और निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरा हमारा जाट संस्थान रिंगस आपको साधुवाद देता है कि आप इतनी दूर से हमारे इस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए आए। इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से समाज की बातें जन जन तक पहुँचाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है और समाज में जिसको भी जो दायित्व मिले, ये एक लाइफ, एक प्ले ग्राउंड है, इसमें बेहतर तरीके से खेला जा सके, खेलना चाहिए। हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। राम राम जी। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेश खरेसिया है और वैसे तो भाई साहब अपन जयपुर में हर प्रोग्राम में मिलते रहते हैं, लेकिन आज रिंगस की धरा पे आपको देख के बड़ा दिल गदगद हो गया कि आप इतनी दूर से चल के और हमारे बीच में पधारे, तो आपका इस संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारी टीम के अंदर जब हम लोग वर्किंग कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, तो मैंने कई गांव में, मैं टीम के साथ में हम लोग गए, तो हमने ये देखा कि गांव में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है जिनको आज एक प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता है। और कई गांव में हम लोग गए तो जाट समाज के लिए कुछ लोग, जैसे मान लो तन मन धन से भी, मतलब ऐसा उत्साह महसूस हो रहा था कि नहीं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आज आए हैं, कोई एक ऐसा संस्थान बनाए रिंगस में जो हमें एक उस पर लेके आया प्लेटफॉर्म पे, और उन लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है और आगे की जो रणनीति, जो प्लानिंग जो बनेगी उसके लिए हमें इतना जोश दिला दिया कि हमें कुछ ना कुछ अब जाट समाज के लिए करना पड़ेगा, इस टीम को पूरी को साथ में लेके और सब लोगों के सहयोग से एक आने वाले समय में एक अच्छी मिसाल हम लोग कायम करेंगे। और जाट समाज के आज कई ऐसी प्रतिभाएं जैसे IAS, IFS, RJS, RAS, कई जैसे 12th और 10th में भी कई प्रतिभाएं ऐसी आई है जिन्होंने 97, 99, 98 ऐसे मार्क्स भी लेके आए हैं, तो उन बच्चों को भी हम दिल से धन्यवाद देंगे कि वो ऐसे ही आगे 12th में, जो 10th वाले 12th में तैयारी करें, और 12th वाले जो बच्चे निकले हैं तो आगे जैसे नीट हुई, IIT हुई, जो भी आगे जो भी संस्थानों के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब के वो होते हैं एग्ज़ाम, उनको फाइट करें और हमारे जाट नाम का और जाट समाज का एक नाम रोशन करेंगे। और इसी के साथ आपको भाई साहब दिल से धन्यवाद, थैंक यू। राम राम जी। मैं सुधीर दायल राजस्थान जाट संस्थान में संयुक्त सचिव के पद पर हूँ और मैं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना शानदार प्रोग्राम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे राज्य स्तर पर इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो ये एक ऊर्जा महसूस हम सब कर रहे हैं, पूरी थीम के ऊपर ये कार्यक्रम था जिनके सबके लगभग पगड़ी है सिर पर, शेखावाटी मक्सरे कम देखने को मिलता है, लेकिन आज ये सम्मान और स्वाभिमान की एक थीम के साथ कार्यक्रम हुआ। राम राम जी। राम राम जी। मैं बाबूलाल बेनीवाल, रिंगस। ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी रिंगस तहसील से हैं, अभी और बढ़ाएंगे इसको आगे। तो निश्चित रूप से ये तो कारवां है जो लगातार आगे बढ़ेगा। हमारे प्रिय भाई सुभाष बिजारणिया जी हैं जो हम यहाँ तक कोऑर्डिनेट करने के लिए लाए हैं, तो अपना परिचय और अपना खुद का दोबारा भी देंगे और अपनी भावनाएं भी रखेंगे। मैं सुभाष बिजारणिया, सबसे पहले JVP मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारे पूरे कार्यक्रम को इन्होंने कवर किया और समय निकाल करके यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद के पात्र हैं हरिराम जी। और मैं आज जिस कौम के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, वो एक अपने आप में कौम नहीं है, एक विचारधारा है जो सभी 35 कौम को एक साथ लेकर के अपना पूरा जज्बात, परिश्रम और संघर्ष के साथ में, अपनी पूरी तैयारी के साथ में, सारा समर्पण और सहयोग की भावना से सबको साथ लेकर चलने की भावना रखती है। और मैं उन पूर्वजों को भी नमन करूंगा जिन्होंने इतनी समृद्ध विरासत हमें दी है जाट जाति के रूप में अंदर, जो आज हम जहाँ खड़े भी होकर के अपनी जाति का नाम गर्व से बोलते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि है ना, हमें हमेशा जाट एकता के अंदर विश्वास करना चाहिए और महिलाओं, बालिकाओं और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमें प्रयास करना होगा और हमारे समाज को आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जोश और जज्बा, जब सामाजिक स्नेह मिलन होते हैं, समन्वय की स्थापना ही होती है, तो उसमें से कई सारी मौलिकताएँ, कई सारे अच्छाइयाँ निकल कर आती है। इसी कड़ी में राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम मुकेश जी ठारवाल है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने काफ़ी लंबे समय तक सैनिक सेवा के तौर पे देश सेवा की है,
तो देश सेवा करते हुए देश सेवा के बाद में अभी मैं काफ़ी लंबे समय से राजस्थान युवा जाट महासभा से भी जुड़ के जाट समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जाट समाज के उत्थान के लिए, व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और अन्य प्रकार के सहयोग के लिए मैं लंबे समय से जाट समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अभी RJS से जुड़ के जो यहाँ 2 साल से या 2.5 साल से जो भी कार्यकाल इस संस्था का हुआ है उससे भी जुड़ के मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ में जो युवा जाट महासभा और देश सेवा करते हुए जो जज्बा और जो ईमानदारी और जो मेहनत और जो समाज के प्रति समर्पण मान लो, देश के प्रति समर्पण मान लो, जो मैंने वहाँ पर दिखाया है, जो मैंने वहाँ पर कायम रखा है, वही मैं जज्बात ईमानदारी सेवा भाव सब जाट समाज के सेवा के लिए, उत्थान के लिए, व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और इसी में मैं लगा रहूँगा। जाट भगवान जय बलवान। तो निश्चित रूप से ये एक हौसला है, हौसले की बुलंदियों का ये कमाल है। राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम अर्जुन सिंह लांबा है, मैं जाट राजस्थान जाट संस्थान का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हम लोग लगभग 1 महीने से इस प्रोग्राम में लगे हुए थे और ज़्यादातर हमने गांव को फोकस किया जिसमें प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। हम वहाँ जाके जो 90% से ऊपर जो प्रतिभाएं थी 10th की और 12th की, उनको हमने डायग्नोस किया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया। और हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सारे एनर्जेटिक हैं। मेरा वैसे फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ मैं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपने समाज में जो प्रतिभा हैं उनको किस तरह से फाइनेंस की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उनको बता के उनको किस तरह से उनको पैसे की बचत करवाएं, किस तरह से उनको करोड़पति उनको आगे के विजन बनाएं, क्योंकि फाइनेंस का सही मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर वो आदमी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं इस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जो अपने समाज के जो तबके के लोग हैं जो फाइनेंस सेक्टर के बारे में समझते ही नहीं कौन, मतलब वो अगर 20-20 रुपये भी अगर महीने के बचा के भी अगर करोड़पति बन सकते हैं आने वाले टाइम में 20-30 साल में, तो ये मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि समाज में इस कार्यकारिणी के साथ में मिलकर मैं लोगों को इस संस्थान की ओर से जागरूक कर रहा हूँ कि वो किस तरह से अपने फ्यूचर की प्लानिंग छोटी-छोटी रिकरिंग डिपॉजिट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आदमी हैं। राम राम जी। राम राम जी। एडवोकेट प्रकाश बाजी हैं। इस प्रोग्राम का हमें जैसे पता चल गया, जैसे 1-1.5 महीने से लग रहे थे, तो हम जितने भी अपने जाट समाज के लोग हैं उनको सबको हमने जागरूक किया और यहाँ प्रोग्राम शानदार सुबह से लगे हुए हैं। सारा प्रोग्राम अच्छे से और आगे से आने वाले टाइम में इससे भी और बेहतर प्रोग्राम करेंगे जी। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, सबका साथ सबका सहयोग है जी। बताएं आज अपना परिचय कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह हूँ। जाट समाज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अति आवश्यक प्रोग्राम, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जाट समाज के प्रतिभाओं को एक जगह इकट्ठा बुलाया गया जिसमें उनको प्रेरणा मिली और जो IAS जैसे बिजू गोपाल ने जैसे IAS लिस्ट को टॉप किया है उनसे उन्होंने जो शब्द बोले और युवा पीढ़ी में जो टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं उनमें इंस्पायरेशन गया, उनमें जोश आया और इस तरीके से इस तरह का प्रोग्राम और समाज की यूनिटी प्रोग्रेस और इसके साथ में समाज यूनिट और प्रोग्रेस कर रहा है तो देश का भी उन्नति है। तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरत है और ये समाज की उन्नति के लिए संगठित यूनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड इट नीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है और शेखावाटी वैसे ही सिरमौर है। आज के इस कार्यक्रम में टीम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से हमारे 2 विश्व प्रसिद्ध कलाकार ने भी प्रस्तुति दी है। भाई जय चौधरी का मटकी डांस खास आकर्षण रहा और लीलन घोड़ी का तेजाजी का नृत्य हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण, गरिमापूर्ण और अनुशासित कार्यक्रम रहा। हमारे बीच में जी राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम है कल्पना बिजारनिया, मैं श्री माधुपुर से हूँ और जो कार्यक्रम जाटों का देखे यही लगता है कि अब बस कि जाट को सबको एक जगह होके और समाज के लिए एक जगह होके समाज के लिए योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये योगदान का सिलसिला हमारा जो भी है जिस भी रूप में है उसको हम बेहतर तरीके से अदा कर सके हैं। और इस अवसर पर मैं शेखावाटी के जो शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वामी केशवानंद जी को स्मरण करना चाहूँगा, जो राजस्थान के बाद में पंजाब हरियाणा से लेकर सीमांत इलाकों और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, उसके साथ ही चौधरी कुंभाराम आर्य को जिनका शिक्षा के लिए और राजनीतिक जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस इलाके का है। यहाँ की महिलाओं का बड़ा अद्भुत संघर्ष है, देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी सामंतों से मुकाबला करने के लिए उनके कई सारे बड़े क्रांतिकारी सम्मेलन, शेखावाटी का जाट सुय महायज्ञ और शेखावाटी का किसान आंदोलन हमेशा प्रेरणा देगा। शहीद करणीराम जी रामदेव जी का अमर बलिदान भी इस माटी को अपने आप में
गौरवान्वित करता है। और शिक्षा की अब जिस तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री या स्कूल या कॉलेज के रूप में, यूनिवर्सिटीज़ के रूप में जिस तरीके से जाट समाज लीड रोल में है, वो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसका संदेश सब जगह जा रहा है, इसका लाभ भी समाज के प्रत्येक वर्ग को, देश के हर कोने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से टीम JVP मीडिया ग्रुप सामाजिक सरोकारों के लिए, शिक्षा के विकास के लिए इन कार्यक्रमों को लगातार आगे जारी रखेगी और आने वाले समय में लोकदेव श्री लाला बाबा राष्ट्रीय शिक्षा कला और संस्कृति मेला किवाड़ा में आप सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। राजस्थान जाट संस्थान रिंगस के प्रतिभा सम्मान समारोह में लीलन घोड़ी की प्रस्तुति देने वाले हमारे टीम JVP मीडिया ग्रुप के भाई सीताराम को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डांसर कलाकार जय चौधरी जिसका मटकी डांस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आज शेखावाटी की धरती पर रिंगस में आपने अपनी तेजल नृत्य की कला से और मटकी डांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की है और उसके बाद में पूरी कार्यकारिणी ने जिस तरीके से जो तेजल सुपर डुपर जो आजकल यूज कहें कि स्टेट और नेशनल एंथम ऑफ जाट समाज हो गया है, तो उस पर भी सबने प्रस्तुतियां दी है। तो दोनों कलाकारों का सम्मान, सारी टीम का सम्मान, अभिनंदन, स्वागत और इसी तरीके से हम सब आगे बढ़ते रहें कि जाट रहा सदा सरताज, न्याय कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज। आओ हम सब मिलकर बढ़ें और बढ़ाएं जग के काज। राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान, जय श्री लाला बाबा की, जय वीर तेजाजी महाराज की।